मैं इस समय सिरपुर में हूँ। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और आज के दौर में सोशल मीडिया पर तमाम लोग बीएसपी मायावती के बारे में आलोचना भी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। मेरे साथ एक शख्स मिले हैं जिन्होंने बीएसपी को करीब से देखा है, दावराम रत्नाकर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ये सब तमाम लोगों ने जब DS4 था साथ ही उन लोगों ने दिल्ली में काम शुरू किया। एक शख्स है जिनसे एक शब्द उनसे सुना, उन्होंने कहा कि वो रोज एक शख्स एक आदमी को मेंबर बनाते थे 5 रुपए लेकर। तो बहुत जिनों संसाधन विहीन समाज बहुजन पार्टी है, बहुजन समाज है, और बहुजन समाज पार्टी को कोई चंदा बनिया नहीं देता है, कोई बिजनेसमैन नहीं देता है, उसके बाद भी मायावती उस पार्टी को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ किए हुए है। दिल्ली जैसे शहर में पार्टी का दफ्तर भी है और चुनाव भी लड़ लेती है और मायावती देशभर में प्रचार भी कर लेती हैं। तो ये एक बड़ा मसला है जिस पर मैं लगातार बातचीत करते रहता हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुजन समाज के लिए पार्टी चलाना और पार्टी बनाना भी कितना मुश्किल काम है ये आपको समझना पड़ेगा। ना आपके पास अखबार है, ना टेलीविजन है, और ना आपके पास बिजनेस है, ना व्यापार है। इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का शख्स नहीं जिसके पास 5-स्टार होटल हो, जिसके पास अपना चार्टर विमान हो, जेट हो, कुछ भी नहीं, एकदम संसाधन विहीन समाज। बस एक चीज है आपके पास और वो है आपकी संख्या, और सबसे बड़ी चीज है बाबा साहब का जो वोट का अधिकार है, और उसका अगर आप लोग इस्तेमाल करना सीख जाए तो हो सकता है आपकी किस्मत बदले। चलिए बहुजन समाज पार्टी कैसे बदली बनी उसकी कहानी आपको सुनाते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम करवन खटकर, अभी वर्तमान में प्रोफेसर हूँ SCRT रायपुर में। डर नहीं लगता प्रोफेसर है यहाँ? नहीं, महापुरुषों का विचार है, कोई हम पार्टी यहाँ पर नहीं है। महापुरुषों के विचारों को हम जन जन तक पहुँचाना हम लोग का काम है, क्योंकि महापुरुष के विचार जिंदा है तो हम लोग जिंदे हैं, संविधान जिंदा है तो हम जिंदे हैं। बहुजन समाज के विचार आज संविधान को बचाना हम सबको नैतिक जिम्मेदारी है, तो हम सब बुद्धिजीवियों को प्रयास करते हैं को जुड़े विचारों से जुड़े, विचार जिंदा रहेंगे तो यह मिशन सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के जो महान आंदोलन है जिसको सपना मान्यवर कांशीराम साहब भी देखे थे, जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर पहले देखे थे, ज्योतिबा फुले देखे थे, सम्राट अशोक देखे थे, तथागत बुद्ध से लेकर आज तक। बताइए क्या करने की जरूरत है, क्योंकि वोट आपके पास है, समाजी आरोपता भी बैठ रही है, सरकार नहीं बन पा रही। हाँ, आज हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों तक पहुँचने की जरूरत है। कैसे जोड़ा जाए? अच्छा, एक अभी एक सर्वे आया है, जितने रिजर्व सीट से SC ST चुन के जाते हैं पता चलता है कि उनका मुंह ही नहीं खुलता है, तो ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का समाज क्या करे? जैसे कि आज अभी कुछ दिन पहले 13 बिंदु रोस्टर का आया, तो 13 बिंदु रोस्टर में हमारे जो लोग चुन के गए वो कोई नहीं बोले। सतीश मिश्रा जी नहीं, 13 पॉइंट रोस्टर में तो संसद जाम हुआ है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने बताए, जब लोग समझते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों नहीं, मैं कह रहा हूँ जो 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 बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो तो बोल रही है, सपा बसपा RJD DMK, जो कांग्रेस बीजेपी शिवसेना SC ST के लोग पार्टी कोई बने उसमें तो सांसद होते हैं वो नहीं बोलते हैं, तो उस पर लोग क्या, वो उन लोग जाने क्यों नहीं बोलते हैं? क्या ऐसे कौन सी परिस्थितियां रहती है कि टिकट कट जाएगा, कि इस समाज से कट जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे? समाज ऐसे नेताओं को पहचानने लगा है, अब पहचानने लगा है, धीरे धीरे इनके खात्मा हो जाएगा। चमचा को भी समाज अब पहचान रहे साहब, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस त्रिपुर की धरती में, बुद्ध की धरती से सम्राट अशोक जी के भी इधर आगमन हुआ, तो उसके शिष्य आनंद जी का भी इधर आगमन हुआ, तो हम धन्य हैं। बुद्ध आए थे यहाँ? हाँ जी जी, आए थे। कैसे लड़ेंगे यहाँ तो सब बगल वाला, फोन आपका बज रहा है उसको बंद करिए, बगल वाला सारा उंगली माल है, तो लगता है कि अब बुद्ध होते तो आज क्या हालत होती। हाँ, अब लड़ेंगे तो लड़ने के लिए हमें केवल तो केवल एक है कि हम सब अपनापन लिए हुए आपस में सभी लोग को जोड़ लेंगे, भाईचारा बना लेंगे, और समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए और स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना के लिए हम सब यदि दिन रात मेहनत करेंगे, जाएंगे उनके घर तक, उनके डेहरी तक जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि अब आ गए है समय आ गए है कि बहुजन समाज को बचाने का, महापुरुषों के विचारों को, उसके आंदोलनों को बचाने का समय आ गया है। आइए इन महान, कितना बदला है समाज, समाज तो काफी बदल रहा है। बीजेपी एक बार और आ जाए तो पूरा सब बदल जाएगा, जितनी पिटाई शुरू हुई है वो तो संविधान तो खत्म कर ही देंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी ने बहुत लोगों को बदल भी दिया, पिटाई जब होती है ना तो लोग बदलते हैं। बहुजन समाज और ओबीसी SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो पिटाई इतनी हो रही है कि लोग बदल रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ,
खैर आप, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितने मजबूत जीजी विषा, मतलब समझ रहे, हिंदी का शब्द है इसका मतलब होता है मतलब आत्मबल, समझिए बहुजन समाज के लोग कितने आत्मबल के धनी है, दिन रात मेहनत, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए घर नहीं, उसके बाद भी जिंदा है लोग। मैं तो नहीं रह पाता जिंदा, लेकिन अब वक्त आ गया है, किस भी सदी में है आप, अपने अधिकार के लिए घरों से निकलिए, नहीं तो लाश बन के कब्रों में दफन होते रहेंगे आप लोग। शुक्रिया आप सब लोगों का हमसे बात करने के लिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिरपुर, छत्तीसगढ़। बहुजन समाज कैसे बदल रहा है वो जैसे जैसे आप देश भर में जाएंगे आपको दिखेगा, और इस समाज में जितनी समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए लोग अब घरों से निकलने लगे हैं। मेरे साथ कुछ नौकरी पेशा लोग हैं जो लगातार बहुजन आंदोलन को जगा रहे हैं, और पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब का सपना था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इनका कि ये एसोसिएशन बना सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे जगह डिपार्टमेंट्स में उन्होंने एसोसिएशन बनाया, वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, और लोग मिलते जुलते हैं। संडे का दिन है और मैं इस समय बुद्ध भूमि कह सकते हैं, यहाँ सिरपुर एक जगह है जहाँ बुद्ध महोत्सव भी चल रहा है, और बुद्ध की 100 से करीब ज़्यादा यहाँ जो है बौद्ध मठ हैं, और तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो यहाँ जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और पे बैक टू सोसाइटी कैसे हो, सामाजिक आंदोलन कैसे बढ़ाया जाए उस पर बात करते हैं। तो सब लोगों से सिर्फ परिचय कराते हैं, और इसका मतलब ये समझिए कि समाज में कैसे लोग एकजुट हो रहे हैं, और सोशल मीडिया ने कैसे एकजुट कर दिया है, और लोग लगातार अपने समाज के तकलीफों पर, दुखों पर, सब पर बात करते हैं। तो नहीं सब, क्या नाम हो आपका? मैं इंजीनियर AR जाटव, असिस्टेंट इंजीनियर WRD डिपार्टमेंट। तो क्या लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए, समाज में किस तरह की दिक्कतें हैं? जहाँ तक मैं सिरपुर के बारे में पढ़ा हूँ, जाना हूँ 1960 के गजट में, उस समय 1960 का जब गजट पास हुआ था उस समय इसमें लिखा गया था सिरपुर एक हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जो गया था, उसमें रिसेंट एक्सकेवेशंस अनअर्थड एट 1200 ईयर्स ओल्ड केयरफुली रेड कट सिटी, मतलब उस समय 1960 में जब खुदाई हुआ उस समय यहाँ कहा गया कि ये वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से एक ये सिरपुर भूमि कहलाई गई है। इसके बाद कुछ साल पहले खुदाई हुआ, इसके इंचार्ज शर्मा जी थे, उस समय यहाँ 100 बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, इसमें सोने की 100 मूर्तियाँ एक साथ निकली, क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई, और बंद करने के बाद फिर अभी इतना पूरा मिला हुआ है, ये वर्ल्ड लेवल का विश्व हेरिटेज है, इसका फिर से होना चाहिए, और समाज में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मूल बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा हथियार वोट का अधिकार, जिसको जहां मारेंगे आदमी मर जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वोट का अधिकार क्या लग रहा है, लोग सामाजिक रूप से जागरूक हुए हैं? परिचय दे दीजिए। मैं सूरज प्रकाश डहरे, लेक्चरर, सामाजिक रूप से। आपको तो पूरी आजादी है राजनीति करने की, प्रोफेसर के तो नौकरी वाले कंडीशंस में लिखा हुआ है। तो नहीं सर, अभी मेरा ये मानना है कि वास्तव में समाज में अभी बौद्धिक जागरूकता बहुत बढ़ी है, और बौद्धिक जागरूकता जो बढ़ी है इसको समाज के निचले लेवल तक हम जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक वास्तविक हम लोगों की सोच और समझ का विकास। तो आप ही से तो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप ही को तैयार करना है। जी बिल्कुल, इस प्रयास रहते हैं सर हम। युवा भी बदल रहे। क्या नाम है आपका सर? उमर सुनवानी। क्या करते हैं? मैं कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूं। वाह बढ़िया है, कैसा चल रहा है सर? 13 पॉइंट रोस्टर से खुश हैं? नहीं सर। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, क्या होगा रोस्टर का? जो सर पहले 200 पॉइंट का रोस्टर था तो उसमें का जो आरक्षण का था। अब तो 13 पॉइंट रोस्टर के बाद खेल खत्म है। अब रुक जाइए, सब बात आप ही बताइए। 13 पॉइंट रोस्टर का सबसे नुकसानदायक जो है हमारे ST समुदाय को जाएगा, क्योंकि 13 बिंदु के बाद में 14वें बिंदु का उसमें कोई प्रावधान नहीं है, और 14वें पोजीशन पर ST को रखा गया है। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ, रमेश कुमार लहरे। अरे रुक जाइए भैया, बोलिए। मैं रमेश कुमार लहरे, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, देवभूमि हूँ। कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? वहाँ तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन सामाजिक जो कार्य हैं वो काफ़ी धीमे पड़ रहे हैं। लोग हमारे यहाँ जो चुनाव हुए हैं ना, उसके बाद थोड़े से कॉन्फिडेंस खो रहे हैं इन मुद्दों पे। और नहीं तो अब तो BJP चली गई, कांग्रेस आ गई, तो लोग खुश हैं या भी वैसी खुश है। तो है, लेकिन BSP के लिए अभी भी। छत्तीसगढ़ में हूँ, कल ही 10 आदिवासियों को गोली मार दी गई है, कल्लूरी साहब को बड़ा पद दिया गया है, तो कुछ बदला नहीं है, सत्ता बदलता रहता है, बहुजनों की हालत एक जैसी रहती है। क्या नाम है आपका?
क्या करते हैं? प्राध्यापक हूँ पुराने शास्त्र में, और अभी वर्तमान में हमारा यही उद्देश्य रहा है समाज से जुड़ा होगा कि सामाजिक समरसता हम कैसे लाएं, और उसके बाद हमारे जो समरसता जी जी आर एस एस शाखा में जाते हो क्या भाई? नहीं 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 समाज तो वहीं से शब्द आया है, इनको बोलने दीजिए भाई जी जी। आर एस एस में कभी गए हैं? नहीं नहीं कभी नहीं जा पाए। चलिए ठीक है, इन सब चीजों से। आपका क्या नाम है? सर मैं अमरदास कुर्रे व्याख्याता डाइट महाशिवम में कार्यरत हूँ, और मेरा केवल एक ही। आप लोग बराबर मिलते जुलते रहते हैं कि कैसे बात विचार करते हैं एक दूसरे से? आप क्या करते हैं सर? मैं एचआर सोनवानी हूँ, सर्वेयर हूँ मैं कृषि विभाग। अच्छा, तो कैसा चल रहा है सब? खेत तो अपने लोग के पास है नहीं ज्यादा? हाँ, नहीं तो खेत नहीं है। खेत भी नहीं है। आप क्या करते हैं साहब? आर्मी चौरसिया सब इंजीनियर हूँ। आप कैसे बनिएगा? आपके बच्चे तो नौकरी नहीं ले पाएंगे, आप लोग तो नौकरी ले लिए हैं, अब तो आरक्षण का खेल खत्म हो रहा है। हाँ, ये तो वैसे ही आरक्षण का खेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सामाजिक जो है इकट्ठा हो रहे हैं। आरक्षण बचाने के लिए भी हमारे कर्मचारी लोग ने, अच्छा मान लिए बाबा साहब डर जाते तो आप लोग तो नहीं पहुँच पाते कॉलेज स्कूल, तो क्या आरक्षण बचाने के लिए भी आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे? निकलेंगे तो बच्चा उच्चा को पत्रकार बनाइए, कुछ को नेता बनाइए, एक्टिविस्ट बनाइए, तब ना काम होगा जी। वकीलों की ज्यादा आवश्यकता है अभी, वकीलों की ज्यादा आवश्यकता है, ना कि डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर की आप क्या करते हैं? मैं आनंद राम खुर्रे केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करता हूँ, और वैसे मैं अंगूठी दिखाइए ना अपना शौक से। देखिए ये हमारी इनसे बहस हुई है, और बहुजन समाज के लोग इतने अमीर हो गए कि शौक से पत्थर पहन रहे हैं, सोना चांदी पहनते तो ज्यादा खुश होते। अभी मामला पत्थर से है। हाँ ठीक है, बताइए आगे। अच्छा, मैं वैसे कांसीराम साहब के साथ में चला हुआ हूँ, और बाम साहब का एक संगठन बना था कोरबा में 1984 से, तब से मैं हमें वो छोड़िए। हाँ। बना क्या था वो मान्यवर चले गए, आगे क्या प्लान है आप लोग का सो बताइए। बाबा जी कुछ कर भी रहे हैं? हाँ जी, कांसीराम साहब के जो बताए हुए रास्ते पर चल करके हमने जगह जगह पर आंदोलन। इतना तो है मेरे हाँ। सवाल आपको बुरा लगे, लेकिन जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, संडे को लोग बीबी टीवी में लगा रहता है, ये लोग सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक जगह जुट रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हम लोग दिल्ली में बैठ के लगातार बात करते रहते हैं कि ग्रास रूट पर कितना चेंज हुआ। आपका क्या नाम है सर? प्रेमलाल सिद्धार्थ। क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में अधीक्षण हूं। तो हमें देख के आ गए यहाँ? हाँ, आए हैं। नहीं नहीं, मैं तो आपको टीवी में देखते रहता हूँ। टीवी नहीं है हमारे पास, भैया यूट्यूब है, सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ मैं। क्या लग रहा है, कितना डराया जा रहा है? अभी भी जो SC ST OBC के लोग हैं डर डर के नौकरी करते हैं। डर के तो है, लेकिन कुछ जागरूकता आई है, अब संगठित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं तो थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर प्लेसर जोशी सर। यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग भी जोशी लिखते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ जी सर, अब इसमें नहीं, अच्छा है, मैं सिंह खुद सिंह लिखता हूँ। जी, जी जी जी, मुझे लोग समझते हैं ठाकुर साहब है, कोई भूमियार समझता है, कोई कुछ समझता है। मेरे को भी बावन समझते हैं सर बहुत सारे, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ही भक्त हूँ, उनके अनुयायी हूँ मैं, और अपने समाज को। देखिए और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, सबसे बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? सर मैं जनपद पंचायत में लेखा परीक्षण अधिकारी हूँ। अच्छा, तो नौकरी तो आप तो मिल गई, बच्चों को कैसे मिलेगी? अब तो मामला फिर खत्म हो रहा है। बच्चे लोग भी सर अब जॉब में तो हैं, वो लोग भी सेटल हो गए हैं। सोचिए एक डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने लोग की, पूरे देश में बहुजन समाज के पास न जमीन थी, न जायदाद थी, न नौकरी, न पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़के बदला है। और क्या लग रहा है, और स्थिति बेहतर कैसे हो सकती है? पढ़ाई लिखाई को घर घर सबसे पहली बात तो सर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो आप सरकार में जाएंगे पॉलिटिक्स करेंगे तब ना, आप लोगों को तो हाथ पांव फूलता है डर से। कौन पालन करेगा? संगठित होना जरूरी है। नहीं नहीं, कौन पालन करेगा? हम पालन कर देंगे, अपना CM PM बनाएंगे तब ना, कौन करेगा? हम ही लोग। माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि आरक्षण से लेंगे DM SP और बोर्ड्स। हाँ बोर्ड्स, चलिए हमको CM PM तो वो तो हो नहीं रहा है। अब अंतिम कड़ी में हम आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आत्माराम नवरत्न। आप क्या करते हैं? मैं निजी प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी जी। BSP के क्या हैं? प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव है तो खेल समझिए, और नहीं समझेंगे तो ही हालत रहेगी। RSS जो है वो झाल किरताल नहीं बजाता है साहब, राजनीति करता है। बहुजन समाज के लोग को भी राजनीति सीखनी चाहिए। शुक्रिया आप सब लोगों का बात करने के लिए हमसे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिरपुर, छत्तीसगढ़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।